वेल दोस्तों, फाइनली Xiaomi की तरफ से HyperOS का एक और नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो अपडेट है ना, पोको F4 डिवाइस के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आप लोग इंडिया के अंदर पोको का F4 डिवाइस को यूज कर रहे हो ना, तो फाइनली इस डिवाइस के लिए Xiaomi HyperOS का 1.0.3.0 ULMINXM न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। 20 MB इस अपडेट का साइज है, काफी छोटा सा अपडेट है 20 MB का। आप लोग बड़ी आसानी से इस अपडेट को अपने मोबाइल डाटा से इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे कितने सारे यूजर्स के डिवाइस में अपडेट देखने को मिल गया, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम में अपडेटेड दी सिस्टम सिक्योरिटी पैच टू July 2024 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। यहाँ पर देखो, July 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया है। हालांकि भी August 2024 का मंथ चल रहा है, तो अगर हम लोगों को लेटेस्ट मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता तो काफी ज्यादा बढ़िया होता यूजर्स के लिए। बट आपको यहाँ पर July 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है। देन इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइस में Xiaomi HyperOS के न्यू वॉलपेपर्स को भी ऐड किया गया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिवाइस में ही। और यहाँ पे कोई सा भी फीचर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। देखो, नॉर्मल सा अपडेट था, 20 MB का अपडेट था, खासकर यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट में फोकस किया गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा, आपके डिवाइस में अपडेट देखने को मिला या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, 2 से 3 डेज का आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर एक लाइक कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।